शिल्पा इतने लंबे वक्त के बाद मिले, कम से कम डोंट यू मतलब वांट टू गिव मी अ हग? नो, बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत नाराज हूँ, वक्त देखो कितना हो गया है। जंगल जंगल पता चला है, पहाड़ी का न्योता सबको मिला है, जोना आया पहाड़ी पर उसके खिलाफ वारंट निकला है। टू टू दिस इज द म्यूजिक। तुक्के सारे सही हो रहे हैं बकलौल चैनल पे, बकलौल टीवी। हां हां, बकलौल टीवी के सारे तुक्के सही हैं। मैं एक और तुक्का लगाता हूं, मेरे सुनने में आ गया आप सिंगल हो। हां, ये भी बिल्कुल सही है। सही है तो मैं एक छोटा सा चैलेंज दूं आपको, आप करोगी? अगर चैलेंज करने है, तो कुछ नहीं करना, ठीक है? दो चैलेंज, कुछ नहीं, आपने अपनी आंखों से चश्मा हटाना है, पर्दा लगाना है, या आंखों का दीदार कराना है? मेरी आंखों पे भी बिल्कुल भी मेकअप नहीं हुआ है और आईज अभी बिल्कुल कैमरा फ्रेंडली नहीं है। दिल मेरा डिंग 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 काफी अच्छे दोस्त भी है वो मेरे, और ये वीडियो जब आएगा मैं उनके साथ शेयर भी करूंगी। क्या बात है, और मेकअप आई विल लव यू आल्सो। काफी काम किया है पंजाब, पंजाब मेरे दिल विच वसदा है। लड़कियां देखे कमेंट में कैसे बदलती, अभी कह रही थी जम्मू कश्मीर से अच्छा कुछ नहीं है, दो मिनट बाद पंजाब मेरे दिल में बसता है। हम कैसे यकीन कर ले आपका? अरे क्योंकि वहां पे फिल्म में की है तो वो तो बसेगा ही ना। देखो ये कर्म भूमि नहीं, ये जन्म भूमि, वो कर्म भूमि। तो मुंबई, मुंबई भी कर्म, वो कौन सी भूमि? दोनों कर्म भूमि। पढ़ने का क्या बकलौल है ये, क्या बकलौल है ये, इतने टाइम बाद कॉल आता है, घड़ी में टाइम देखो कितना बज गया है। शिल्पा मैं बेवकूफ हूँ, मैंने बात ही नहीं कर दी आज तो, मैंने बात ही नहीं कर दी, सूर्य ग्रहण की कसम, शिल्पा सूर्य की कसम, शिल्पा सारे सितारों की कसम, हैशटैग बकलौल टीवी, यस I love you too. मछली जल की क्वीन है, आज रात क्या सीन है, हिप हॉप देना देसी जी भीन है, बड़न इसमें अलग सुनाई ब्रांड, ठीक है। द बकलौल टीवी पर आज हम आपकी मुलाकात उस कश्मीरी पंडित लड़की से करवाने जा रहे हैं जो कि एक्ट्रेस भी है, सिंगर भी है, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना के फादर साहब ने इनको अपनी स्पिरिचुअल डॉटर बनाया हुआ है। तो मैं कुछ ये सब समझ नहीं पाया था तो मैंने सोचा क्यों ना द बकलौल टीवी के थ्रू इनसे मिला ही जाए। हाय मैम शिल्पा धरा, इनका नाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? सबसे पहले बिग थैंक यू टू बकलौल टीवी फॉर कॉलिंग मी हियर, बहुत ही नाम सुना है, मतलब जैसे ही मैं जम्मू लैंड हुई ना मेरे कानों ने बकलौल टीवी ही सुना है। क्या बात है, मैं कसम खा के कह रहा हूँ मैंने बिल्कुल नहीं बोला था इनको कि मेरी तारीफ करना, इनका ये नेचुरली अंदर से निकला हुआ है। थैंक यू सो मच। अच्छा जैसे कि मैंने कहा कि आयुष्मान खुराना के फादर साहब ने आपको स्पिरिचुअल डॉटर माना हुआ अपना, तो ये क्या फंडा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बेसिकली फंडा ये है कि बहुत ही पॉपुलर हैं आयुष्मान खुराना जी के पिताजी जो कि मेरे गुरु हैं आचार्य पी खुराना जी, बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, वर्ल्ड रेनाउंड, और काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज उनके पास आते हैं। उनके बेटे बाद में स्टार बने, पहले वो सुपर स्टार हैं और थे और हमेशा रहेंगे। तो क्या होता है, जो परंपरा होती है एस्ट्रोलॉजी की या गुरुगद्दी जिसे कहते हैं, आप कभी भी उसको जो नवाजते हैं अपने खून में अपने ब्लड में नहीं नवाजते, आप एक डिसाइपल चूज करते हैं जिसको आप वो गद्दी देते हैं जो आपकी परंपरा को आगे फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन आगे। उन्होंने अपनी गद्दी जो आपको दी हुई है। जी जी जी, क्या बात है यार, चलते चलते बातचीत करेंगे तो बहुत ही गीला फ्लोर है, बस मैं गिर ना जाऊं। अरे डोंट वरी, मैं संभालने, बहुत अच्छा है जम्मू का आज, है ना, मौसम बहुत ही अच्छा है जम्मू का, गिरने की टेंशन नहीं, मैं संभालने के लिए जी जी शुक्रिया शुक्रिया। बीच में ऐसा लगे आपको मेरा हाथ थाम सकती हैं, बेझिझक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो जैसे कि मैंने कहा ना ये एक्ट्रेस भी हैं साथ ही साथ सिंगर भी हैं, और कसम खा के कह रहा हूँ मतलब इंटरव्यू पहले शुरू होने से पहले मैडम इतनी आराम से बात कर रही थी ना जी जी करके, कैमरा ऑन होते ही आपके अंदर से आत्मा आ गई, ये क्या हो गया? ये कुछ खूबियां होती है कलाकारों की कि कैमरा ऑन करते उनके अंदर का कलाकार अपने आप निकल आता है, दौड़ आता है। अच्छा देखो अब मौसम भी इतना सुहाना हो रखा है, हाँ। साथ में मैं भी हूँ जी, ऊपर आप गाना भी प्यारा प्यारा गाती हैं, हाँ। तो एक कुछ हो जाए यार अच्छा। तो सा। दो ट्रैक्स मेरे आ चुके हैं जंगल जंगल के नाम से और क्वीन के नाम से। इससे पहले कि मैं गा के सुनाऊं आप लोगों को, मैं बता दूं कि मेरी एक खूबी है, मैं बच्चों की नर्सरी राइम्स को चुनती हूं, उसके बाद उस पे उसी के आधार पे गाना आगे कंटिन्यू करके पार्टी ट्रैक बनाती हूँ। बच्चों की नर्सरी राइम को पार्टी सॉन्ग बनाती हूं, मेरा पहला, यानी कि देख के नहीं आए, होमवर्क नहीं करके आए हो, अभी होमवर्क करना चाहिए। मैं आपको जानना चाहता हूं, आप मेरी भावना ही समझिए। हां मैं समझ गई समझ गई। तो जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मेरी ऑडियंस में बच्चे जवान सब लोग, आई केटर टू ऑल काइंड ऑफ एज ग्रुप्स। तो एक गाना, एक नर्सरी राइम, चड्डी पहन के फूल खिला है, जंगल जंगल पता चला है, तो मैंने इसका एक पार्टी ट्रैक बनाया जो कि वीनस कंपनी ने रिलीज किया था मेरा, वो ऐसे है, कैसे सुना रही हूँ, सुन रहा हूँ, सुना रही हूँ ऑडियंस के लिए, थोड़ी सुर ऊंचा करना पड़ेगा, माइक का है, माइक लगा हुआ है आपको, लगा हुआ है आपको, ओके सो लेट्स स्टार्ट।
जंगल जंगल पता चला है, पहाड़ी का न्योता सबको मिला है, जो ना आया पहाड़ी पर उसके खिलाफ वारंट निकला है। टू टू दिस इज द म्यूजिक एट द एंड ऑफ आगे का जानने के लिए खुद सुनिए। बाकी जो मैडम गाना बड़ा बड़ी जो मैडम ने म्यूजिक का टू टू किया वो म्यूजिक ऐसा ही है। तो अभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, तो मैंने मुंह से ही खड़का दिया, टू कर दिया, बस टू कर दिया। सही बात है यार, मेरे को एक बात सुनाओ, मतलब ये स्पिरिचुअलिज्म में तुम तो आप अभी आई हो, इससे पहले मतलब एक्टिंग कब से कर रही हो? 10 साल हो गए मुझे करते करते, काफी फिल्मों में काम किया है। हाँ जी 21 साल की तो खुद हो अब तो, 10 साल में 11 साल की उम्र में किया था। 11 साल की छोटी उम्र में शुरुआत कर दी थी। सच्ची में किसकी हो? बिल्कुल बिल्कुल है? हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे तुक्का मारा ना। तुक्के सारे सही हो रहे हैं बकलौल चैनल पे, बकलौल टीवी। हाँ, बकलौल टीवी के सारे तुक्के सही है। मैं एक और तुक्का लगाता हूँ, मेरे सुनने में आ गया आप सिंगल हो। हाँ ये भी बिल्कुल सही है, सही है, सारे बकलौल टीवी के तुक्के सही है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा ये मैंने ना इसकी खास तौर पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देखा, बायो में लिखा था साइकिक माइंड रीडर। साइकिक माइंड आप दिमाग पढ़ती हो? नहीं नहीं, जब हम क्या करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, न्यूमरोलॉजी करते हैं, वास्तुशास्त्र करते हैं, तो टैरो कार्ड रीडिंग्स की खासियत ये है कि जब भी कोई क्लाइंट हमारे सामने बैठा होता है, हम टैरो के माध्यम से रीड करते हैं, तो एक साइकिकनेस आ जाती है जिससे हम माइंड रीड कर सकते हैं। तो अब पता लगा मुझे ये सिंगल क्यों है, बॉयफ्रेंड का सारा माइंड रीड कर देती होगी, क्लेश पड़ता ही होगा रिलेशनशिप में। Yes, तो चलो बढ़िया। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, वैसे मैडम जो कश्मीरी पंडित हैं, तो अभी हम रेडिसन ब्लू के इस प्यारे से स्विमिंग पूल में, ये मैडम जब नीचे बैठी थी ना कॉफी हाउस में, सबसे पहले इन्होंने क्या किया वहाँ पे, नून चाय पी। नून चाय नहीं भी कहवा, कहवा पी, सॉरी। और ये कश्मीरियों का ये कहवा के साथ क्या रिलेशन है? मेरे को समझ नहीं आ रहा। हमारे घर में मतलब रोज ही कहवा बनता है, तो इट इज अ थिंग फॉर कहवा, क्योंकि मैं दूर रहती हूँ, बॉम्बे में रहती हूँ, तो जब भी मैं यहाँ आती हूँ, एक होता है ना रूट से, मतलब एक अटैचमेंट होती है जम्मू कश्मीर से, मेरी काफी अटैचमेंट है, मेरी स्कूलिंग यहाँ से हुई है, मेरा बचपन यहाँ गुजरा है, तो इसलिए मैं जब भी आती हूँ अपने रूट्स के साथ जुड़ने की कोशिश करती हूँ, चाहे कहवा चाय हो, चाय है ना शॉप, मतलब जो भी यहाँ की ऑथेंटिक चीजें हैं। तो मतलब जम्मू कश्मीर ज्यादा पसंद है आपको मुंबई के? बिल्कुल बिल्कुल, अपने रूट्स आई थिंक सबको पसंद होते हैं, जितने पंजाबी लोग नाराय बनते हैं, लेकिन जब इंडिया आते हैं पंजाब के पिंडों में खेतों में वक्त गुजारना उनको पसंद होता है। अच्छा आप जैसे कि इतना सब कुछ करती हो, मतलब बड़ी ब्रेव हो आप, मानते हो ना इस बात को? Yes, very brave. तो मैं एक छोटा सा चैलेंज तो आपको अब करोगी? अगर चैलेंज करने बड़ा ही है, कुछ नहीं करना, ठीक है? दो चैलेंज, कुछ नहीं, आपने अपनी आंखों से चश्मा हटाना, जरा पर्दा लगाना है, ये आंखों का दीदार कराना है। नो, मेरी आंखों पे भी बिल्कुल भी मेकअप नहीं हुआ है, और आईज अभी बिल्कुल कैमरा फ्रेंडली नहीं है, मतलब आंखों का मेकअप है तो चश्मा नहीं डाल रहा मुझे। हां धूप परेशान जी, धूप ये ऊपर जो छोटे जो मैडम घने घनिष्ठ बादल छाए हुए ऊपर, लाइट है, देखो लाइट नहीं होती तो चेहरा कैसे दिखता? धूप है तभी तो दिख रहा है ना, यहां कोई आर्टिफिशियल लाइट तो है नहीं, सनलाइट है, डे लाइट है, कॉमन सेंस है। तो ये लाइट आंखों में चुभ रही है आपकी? तो मैं बहुत चुभ रही, सेंसिटिव आईज, डॉक्टर ने कहा है, मना किया हुआ है। कोई बात नहीं, इसको रोमांटिक समझिए। वैसे मैं पूछना चाहूंगा आपसे, ये सिंगर्स में मिक्का सिंह फेवरेट तो नहीं है आपके? बिल्कुल फेवरेट है, इनका काफी अच्छे दोस्त भी हैं वो मेरे, और ये वीडियो जब आएगा मैं उनके साथ शेयर भी करूंगी। क्या बात है, और मेकअप आई विल लव यू आल्सो। हां ठीक है, सो वो हमेशा से चश्मा पहनते हैं, तो यू नो इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन है, रात को दिन में हमेशा मैं चश्मा पहन के रखती हूं। ठीक है, इंस्पिरेशन है वो आपकी, लेकिन हम ऐसे नहीं मानेंगे। मेकअप आज एक गाना गा के सुनाओ, सावन में लग गई आ के दिल मेरा डिंग 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 डिंग। ये नहीं मैडम का गाना तो ठीक है, जो बाद में म्यूजिक निकल रहा है टू टू डिंग डिंग डिंग, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। सही बात है, डिफरेंट होना चाहिए। कॉमन तो सब करते हैं, सिंगर्स तो ऐसे, मतलब गाता तो हर कोई है, बाथरूम सिंगर भी हर कोई होता है, बट डिंग डिंग डुंग डुंग करना कोई ये हर किसी के बस की बात। इसको कहते हैं इफेक्ट्स देना, स्पेशल इफेक्ट खुद ही देना, स्पेशल इफेक्ट्स खुद ही देना। आई गॉट योर पॉइंट। अच्छा चलो आप सिंगिंग की भी बात आपकी कर ही ली है, तो एक्टिंग की बात करते हैं। मैंने सुना पंजाबी इंडस्ट्री में आपने काफी अच्छे अच्छे नामी ग्रामी लोगों के साथ जो काम किया हुआ है, जैसे कि गिप्पी जी, निंजा, अमृतमान, बब्बू मान जी, इन सबके साथ काम किया है मैंने, गुरप्रीत गुग्गी जी के साथ दो फिल्में की हैं, तो काफी अच्छे कलाकार हैं और काफी कुछ सीखने को इनसे मिला, काफी काम किया है पंजाब में, पंजाब मेरे दिल विच वसदा है। लड़कियां देखे एक मिनट में कैसे बदलती, अभी कह रही थी जम्मू कश्मीर से अच्छा कुछ नहीं है, दो मिनट बाद पंजाब मेरे दिल में बसता है, हम कैसे यकीन कर ले आपका? अरे क्योंकि वहां पे फिल्में की है तो वो तो बसेगा ही ना। देखो ये कर्म भूमि नहीं, ये जन्म भूमि, वो कर्म भूमि, तो मुंबई, मुंबई भी कर्म, वो कौन सी भूमि, दोनों कर्म भूमि, पढ़ने के दोनों कर्म भूमि। चलो बढ़िया है। अब देखो इनकी मतलब आप सोच रहे होंगे ना मैं बड़ा चढ़ा के तारीफ कर रहा हूँ, सिंगिंग करती हैं, स्पिरिचुअलिज्म में ये वगैरह वगैरह, एक्टिंग में, तो अब मैं चाहता हूँ ना कुछ लाइव एक्टिंग सीन करें हम, लाइव एक्टिंग करें, मतलब कुछ प्रॉम्प्टो करें, प्रॉम्प्टो करिए, एक्शन करिए, मजा आएगा, ठीक है? सिचुएशन दूं मैं, जो सिचुएशन ये है
कि आप ये नदी किनारे बैठी हुई हैं, मेरा इंतजार कर रही हैं और मैं बहुत लंबे अरसे के बाद आपसे मिलने आ रहा हूँ और आप मुझसे प्यार करती हैं। ठीक है, मैं भी करता हूँ। ठीक है, और हम बहुत लंबे अरसे बाद मिल रहे हैं। एक्शन कर दे। ठीक है, ओके, मैं आया, रेडी। ओके, रेडी एंड एक्शन। क्या बकलौल है ये, क्या बकलौल है ये, इतने टाइम बाद कॉल आता है, घड़ी में टाइम देखो कितना बज गया है। शिल्पा, मैं बेवकूफ हूँ, मैंने बात ही नहीं करनी आज तो, मैंने बात ही नहीं करनी, सूर्य ग्रहण की कसम। शिल्पा, सूर्य की कसम। शिल्पा, सारे चितारों की कसम। शिल्पा, इतने लंबे वक्त के बाद मिले, कम से कम डोंट यू मतलब वांट टू गिव मी अ हग? नो, बिल्कुल भी नहीं, मैं बहुत नाराज हूँ, वक्त देखो कितना हो गया यार, समझा करो ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेने के लिए आया था। सरप्राइज दो। सरप्राइज बताऊं? Where is my diamond and you know Gucci and Armani? मैं बताऊं तुम्हारा सरप्राइज क्या है? क्या है? मैं तुम्हारे बच्चे का बाप बनने वाला हूं। ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई इस पानी के अंदर? नहीं नहीं नहीं, बात बात हो गया, हो गया, हो गया, डन डन डन, हो गया हो गया। बहुत अच्छी एक्टिंग करती है आप। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो यार मेरे को एक बात सुनो, ऐसे नहीं, हमने जम्मू वालों का नाम रोशन किया। हाय हाय, क्या बात है, अपनी कश्मीरी पंडित लड़की। अच्छा मेरे को एक बात सुनाओ, इतना कुछ करते हो आप, कोई एक है सेट की मतलब इस वाली फील्ड में कुछ ये वाला मुकाम हासिल करना है? जैसे कि मुकाम हासिल हो चुका है मेरे गुरु आयुष्मान खुराना जी के पिता, जब से उन्होंने गद्दी मुझे दी है, मुझे लगता है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ मुकाम है मेरे लिए, और उसके बाद से मैं काफी खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगता है स्पिरिचुअल साइंस, एक स्पिरिचुअल गद्दी के बाद इतनी जिम्मेदारी आती है, कई लोगों की मदद करते हो, प्रॉब्लम सॉल्व करते हो कई लोगों की लाइफ में। उसके अलावा जो मेरे शौक है, जो मेरे पैशन है, एक्टिंग सिंगिंग, वो मैं साइमल्टेनियसली लिखना, जैसे कि मैंने कहा मैं लिखती हूँ किताबें, वो पूरी, अरे इरशाद नहीं नहीं, किताबें लिखती हूँ, बुक्स, उस पे कुछ तो लिखते ही होंगे। अब वो इरशाद तो शेरो शायरी का होता है ना, वो अच्छा, मतलब अच्छा। साइंस बेस्ड बुक्स है ना। कौन सी कौन सी किताबें लिखी आपने? मेरी लास्ट बुक थी 7 लेसंस सिनेमा टॉट मी, व्हिच वाज अ बेस्ट सेलर ऑन Amazon। किस बारे में थी वो? वो सिनेमा के ऊपर थी। okay. सिनेमा के ऊपर थी, और उससे पहले जो लिखी है एक रुद्राक्ष के ऊपर लिखी, जो रुद्राक्ष हम धारण करते हैं उसके पावर्स के ऊपर लिखी है। उससे पहले एक साइंस फिक्शन है कॉल्ड द हार्ट्स प्लैनेट, उससे पहले एक शॉर्ट स्टोरी एनालॉजी है, कलेक्शन ऑफ ग्राफ्स लग जाता आपको? हाँ मिल जाता है, क्या बस है? मैं थोड़ी बकलौले कम कर लेती हूँ। यार कसम से मैं कहता हूँ, लड़की हो तो ऐसी 10 मिनट में कम से कम 20वीं बार बकलौल बोलना है। हैशटैग बकलौल, हैशटैग बकलौल टीवी, यस आई लव यू टू। अच्छा मैंने ना इनकी कसम से इंस्टाग्राम पे रील्स भी देखी हैं। अच्छा। मतलब आपकी नहीं, मतलब जिसकी भी है, लेट इट बी। मैंने इनकी इंस्टाग्राम पे रील्स देखी हैं। यार डांस भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा कमाल का करती हो आप। थैंक यू थैंक यू सो मच। तो ये कैसे मतलब इतना सारा टैलेंट एक बंदे के अंदर? आई थिंक परवरिश पे होता है और स्कूलिंग पे होता है आपकी, कि आप स्कूल में कितना आपको टीचर्स मोटिवेट करते हैं और कैसी आपकी ग्रूमिंग होती है। बचपन का बड़ा लेना देना होता है आपके बाकी के मतलब एज से। मैं ना बहुत ज्यादा फिल्मी टाइप का इंसान हूँ, ठीक है? हाँ। तो मैं पता नहीं क्यों ना, मेरे सामने ऐसे ना विजुअल एड आ रहा है कि जिसमें मतलब हवा चल रही है, आप ऐसे दुपट्टा लहरा रही है, बाल आपके बिखर रहे हैं और आप डांस कर रही है। ऐसे बहुत सारे विजुअल्स मैंने फिल्मों में किए हैं, सॉन्ग्स में किए हैं, पंजाब में देखा, बेचारे उन लोगों ने नहीं देखा। शिल्पा दैट टाइप करिए, मेरी म्यूजिक वीडियोस में आपको बहुत ऐसे सीन्स देखने को। कोई बात नहीं, हम देखो आर्टिस्ट क्या होता है, जो लाइव करे। एक मैंने अभी करती हूँ, एक मेरा दूसरा गाना आगे नर्सरी राइम पे था, मछली जल की रानी। ये मैं सुनना चाहूंगा, हाँ ये सुनाओ, इसी पे परफॉर्मेंस भी हो जाए। ओके, मछली जल की क्वीन है, आज रात क्या सीन है, हिप हॉप देना देसी जी भीन है, बड़ा इसमें अलग सुनाई ब्रांड, ठीक है तो मैंने खुद ही कर दिया। क्या बढ़िया यार, क्या था मछली? मछली जल की क्वीन है, आज रात क्या सीन है, हिप हॉप देना देसी जी भीन है। वीडियो जरूर देखिए। मैं सबसे पहले शिल्पा दर क्वीन, शिल्पा दर जंगल, दोनों का मैंने छोटे छोटे टीजर टूजर देखे, मैं खुद ही लिखे हैं, खुद ही गाए, खुद ही दर्शाए। मैं पूरा पूरा गाना सुनूंगा इसके बाद कसम से। बकलौल टीवी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपके बकलौल टीवी का प्रचार हम पंजाब में, बॉम्बे में, हर जगह करेंगे। अब मेरे को नेता दिख रही हो आप प्रचार है? अच्छा ये टैटू वैटू करा रखे थे खाने, जरा ये क्या है? ये स्टार है और ये मून है। स्टार और मून क्लेश कर रहे हैं? देखिए नहीं नहीं, पहले मैंने स्टार बनाया था, मैंने कहा चांद नाराज हो जाएगा, तो ऊपर चांद भी बना दिया। अरे पागल, स्टार बना दिया, चांद तो आप खुद थी। तो चांद मतलब खुद तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी जो असली वाला चांद है उसका सिंबल मतलब। चलो बहुत बढ़िया, तो मुझे लगता है कि जनता ने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जान लिया होगा। शिल्पा धर है हमारे साथ, कश्मीरी पंडित लड़की हैं अपनी, और फिलहाल मुंबई में होती हैं, एक्टिंग वगैरह भी करती हैं, गाना भी बहुत अच्छा गुनगुनाती हैं और साथ ही साथ डांस भी करती हैं। शिल्पा धर आप इनको फॉलो भी कर सकते हो, और फिलहाल आयुष्मान खुराना जी के फादर जी जो कि एस्ट्रोलॉजर है बहुत बड़े, उन्होंने इनको अपनी स्पिरिचुअल डॉटर माना हुआ है, और उसी के चलते आयुष्मान खुराना इनके भाई लगते हैं। बिल्कुल भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। यार ऐसी एक्साइटमेंट ना मेरे को मनती है मेरे को लाइफ में। थैंक यू सो मच शिल्पा, नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग यू, आता आ रहा हूं मैं। हां नाइस मीटिंग यू, जय बकलौल टीवी, जय बकलौल टीवी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बकलौल टीवी।